नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जूनियर इंजीनियर की 1092 पोस्टों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं उसके अंदर आपको किस हिसाब से आवेदन करना है। आज यानी कि 21 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 19 फरवरी तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप देखना, प्रत्येक स्टेप आपको फॉलो करनी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप अपने घर बैठे आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे SSO राजस्थान सर्च करना है, क्योंकि आपको SSO ID के जरिए इसके अंदर आवेदन करना होगा। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी वेबसाइट की ऑफिशियल, ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, अगर आपने SSO ID नहीं बना रखी है तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और SSO ID आप बना लीजिए, और बना रखी है तो यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको SSO ID डाल देनी है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे पासवर्ड पुटअप कर देना है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको कैप्चा फिल करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो कैप्चा फिल कर देना है। मैं यहाँ पे अपना कैप्चा ये जो दिखाई दे रहा है वो फिलअप कर देता हूँ। नीचे आपको लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर लॉग इन कर पाओगे। अगर आप SSO ID है वो आप भूल चुके हो तो क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप रिकवर कर सकते हो, और पासवर्ड को भी आप क्लिक हियर, नीचे आपको पासवर्ड फॉरगेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड है वो भी आप रिकवर कर सकते हो। मैं लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक किया तो एक नया पेज मेरे सामने ओपन हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पे देखना है कि ये वाला जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का दिखाई दे रहा है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। अगर डायरेक्ट ये नहीं दिखता है तो अदर एप्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, इस पर आप क्लिक करना, सारे एप्स आपके सामने दिख जाएंगे। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी SSO ID ओपन हो जाएगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल है उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी आपकी नई चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे जो वैकेंसी चल रही है वो आपको दिखाई देगी, जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ JN 2022 RSSB। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, अप्लाई नाउ के ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे आपने डिग्री कर रखी हो, चाहे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिविल में हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल में हो, फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो सबके लिए समान रहेगा। मान लीजिए कि मैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर से यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो सेम प्रोसेस आप चाहे किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आवेदन कर रहे हो, सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है। आपका जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होने वाला है। पहला आपका बेसिक डिटेल्स है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स है, उसके बाद क्वालिफिकेशन है, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन है। देखिए, सबसे पहले बेसिक डिटेल्स है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मेल और फीमेल यहाँ पे आपको लिंक सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पिताजी का नाम मेंशन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने माताजी का नाम पुटअप करना है, उसके बाद यहाँ से आपको ये जो कैलेंडर का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है आइकन, इस पर क्लिक करके आपको अपने डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ से एक ईयर है वो सेलेक्ट कर लिया, 1993 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे 30 मार्च 1993, ऑटोमेटिक यहाँ पे एज आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। आगे देखिए, आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैंने OBC नॉन क्रिमिनल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हो या नहीं आते हो, ये ऑप्शन है आपके सामने, यस और नो का आपको दिखाई देगा तो वो चूज कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये जो विकलांग है उनके लिए है, तो आप दोनों में से ऊपर वालों में से कोई आप पे कैटेगरी लागू होती है, कोई प्रॉब्लम है, विकलांग हो तो सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करोगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ से हाइड हो जाएगी। उसके बाद देखिए, यहाँ से आपको अपना रिलीजन है, धर्म है वो सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको अपनी वैवाहिक स्थिति है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि मैरिड कर लिया, मैरिड वाले बच्चे होंगे ज़्यादा है ना, तो मैरिड वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं सारी चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको अपनी बीवी का नाम मेंशन करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे यस और नो के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, भी एक से आपकी जीवित बीवियाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो मतलब फीमेल है उनके हस्बैंड एक से ज़्यादा जीवित नहीं होने चाहिए, तो वो यस और नो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद क्या आपने शादी में दहेज लिया है क्या, तो नो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर ध्यान रखना, 1/6/2002 से पहले आपके जो बच्चे हुए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, जैसे कि मैंने 0 कर दिया, और 1/6/2002 के बाद में आपके जितने बच्चे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे मेंशन
मेंशन करनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो कर दिया, तो यहाँ पे टोटल काउंट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा टू। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र से हो या नहीं हो, है ना, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया नो, क्योंकि मैं गैर अनुसूचित क्षेत्र से आता हूँ। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा उधर का एरिया है, वो अनुसूचित क्षेत्र है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके एड्रेस के यहाँ पे दो टाइप के एड्रेस दिखाई देंगे। सबसे पहला आपका पत्रा चार पत्ता है, ठीक है, यानी कि करंट एड्रेस है। उसके बाद आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। अगर दोनों एड्रेस आपके समान है तो सेम एज अबव के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, जिससे कि ऊपर वाला एड्रेस नीचे कॉपी हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो पुटअप कर दिया, जैसे कि यहाँ पे एड्रेस लाइन वन होगी, उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद आपको अपना सिटी है वो है, उसके बाद पिन कोड है, उसके बाद फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डाल भी सकते हो, खाली भी छोड़ सकते हो। मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि मोबाइल नंबर है डाल दिया, ऑप्शन मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, मेरी ओरिजिनल मोबाइल नंबर ये नहीं है। सेम है, जब वो का ऑप्शन दिखाई दे रहा था यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ऊपर वाला एड्रेस है वो नीचे ऑटोमेटिक कॉपी हो गया। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी करेक्ट है क्या, तो मैं यहाँ पे यस के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, आपको राष्ट्रीयता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंडियन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना स्टेट है, किस स्टेट से आते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। राजस्थान और अदर स्टेट वाले भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में जिस भी स्टेट से, जिस स्टेट के जिस जिले से आते हो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक है वो सेलेक्ट कर लेना है। मैंने कि यहाँ पे सिर्फ डूंगरगढ़ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे तहसील है डूंगरगढ़ वो सेलेक्ट कर ली। उसके बाद विलेज का नाम है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ इसी। उसके बाद पूर्व स्थापित हो या नहीं हो तो मैंने यहाँ पे नो क्लिक कर दिया। अगर यस करते तो किस देश से हो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता, उसे सेलेक्ट करना पड़ता। उसके बाद आती है स्पेशल कैटेगरी, यानी कि भूतपूर्व सैनिक हो या नहीं हो, तो मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, यस या नो, मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या आप एनसीसी कैडेट पर शिक्षक हो या नहीं हो, तो मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व कैदी हो या नहीं हो, तो मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी हो, तो मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या आपकी पारिवारिक जो आय है वो वार्षिक आय 2.50 यानी कि 2.5 लाख से कम है क्या, ठीक है, तो कम है तभी आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद अतिरिक्त श्रेणी कोई भी यहाँ पे लागू होती है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। पिछले वाला जो ऑप्शन था अपना पर्सनल डिटेल्स का था, अभी आ गया क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन के अंदर यहाँ पे जो स्टार मार्क कर रखे हैं वो आपको फिलअप करने जरूरी है, स्टार नहीं है वो आप खाली छोड़ सकते हो। जैसे कि सेकेंडरी है यानी कि 10th वाली एजुकेशन है, उसके बारे में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट फिल करने हैं। यहाँ पे आप टोटल सब्जेक्ट है वो भी नेम भी फिलअप कर सकते हो, या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने जिस यूनिवर्सिटी से 10th पास की है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना, जैसे कि मैंने BSER अजमेर मेंशन कर दिया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। उसके बाद 10th का यहाँ पे रोल नंबर पुटअप करनी है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज है या ग्रेड वाला सिस्टम है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ से चूज कर लेना है, उसके अंदर परसेंटेज आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद देखिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे डिप्लोमा के सब्जेक्ट मेंशन करने होते हैं, तो इसमें मैंने लिखा है ऑल सब्जेक्ट ऑफ BTR जोधपुर, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा किया है उसके ऑल सब्जेक्ट ऐसा आपको मेंशन कर देना है, क्योंकि तीनों सालों के सभी सब्जेक्ट हैं उनके नाम यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। उसके बाद डिप्लोमा की यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना है, और फाइनल ईयर के जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, जो कि फाइनल ईयर की मार्कशीट के अंदर भी आपको मिल जाएगा, और प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर भी यही रोल नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे परसेंटेज और ग्रेडिंग वाला आपको सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग और यहाँ पे परसेंटेज। उसके बाद देखिए अगर आपको बहिष्कृत किया गया किसी एग्जाम में बैठने से तो आप यहाँ से यस सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज नो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर दिया। ये बोल रहा है प्लीज़ टिक चेक बॉक्स टू प्रोसेस अंडर फर्दर, तो उसके अंदर देखिए यहाँ पे इनकेस यहाँ पे राइट यहाँ पे टिक कर देना मेरे को स्टार्टिंग वाले पे, है ना। उसका नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो ये डिटेल्स है मेरी सेव हो जाएगी। अब देखिए तीन चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका फोटोग्राफ है, उसके बाद सिग्नेचर आपका हिंदी में भी अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर आपको इंग्लिश में भी अपलोड करना पड़ेगा। हिंदी में जनरली क्या होता है कि अपना नाम लिखते हैं सीधा, और इंग्लिश में अपना जो सिग्नेचर होता है जिस हिसाब से, तो वो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होता है। जो आपकी इमेज है उसका साइज है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा या फिर इससे कम नहीं होना चाहिए।
देखिए यहाँ पे मैं चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से अपनी फोटो है अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ये जो अपनी जो फोटो है न्यू पिक 94 KB ये इस नेम से है, तो मैंने यहाँ पे फोटो अपलोड कर दी। उसके बाद आपके जो सिग्नेचर है उसका साइज देख लीजिए, मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 50 KB, ठीक है। तो चूज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले हिंदी वाला जो सिग्नेचर वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश वाला सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बॉडी मार्क का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक बॉडी का मार्क है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट और बैक के ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी है, तो यहाँ पे आपके सामने इसका एक प्रयोग दिखाई देगा, तो इसको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। और आपको लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है वो सही है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, इसके ऑप्शन में क्लिक करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे टिक कर दूंगा, फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। देखिए उसके बाद में आपके सामने ये पेज ओपन होगा एप्लीकेशन फीस का, टोटल आपका कितना चार्ज बनेगा वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। पे फी के नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको पे फीस वाला, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको ओके कर देना है। उसके बाद ये बोल रहा है आपको रिफ्रेश नहीं करना है, तो मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा जब तक पेमेंट इसका कंप्लीट नहीं हो जाए, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेट बैंकिंग और एग्रीगेटर के दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आपको बैंक का नेम है सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए कि मैंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने बैंक का नेम अपना वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद पे नाउ के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा, तो इस पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस आपकी इसके अंदर पे हो जाएगी, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने केवल और केवल आपको ये फॉर्म भर के बताया, इसलिए एप्लीकेशन फीस में यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। आप पे करके आराम से फॉर्म है कंप्लीटली इसका प्रिंट आउट निकाल सकोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम आई तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।